अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद मी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो आप सबको भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। शादी ब्याह की तकरीबात हो या ईद का मौका, गर्ल्स के लिए मेहंदी के बगैर तो वो अधूरा ही लगता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ मेहंदी के डिजाइंस लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई डिजाइन आपके दिल को छू जाएगा। इस वीडियो के जरिए से मैं फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर किया। थैंक यू फ्रेंड्स। और हम फ्रेंड्स का भी जो हर वक्त मुझे मोटिवेट करते हैं। और मेरे काम को सराहते हैं। इस वीडियो में मैंने सारे डिजाइन ऐड किए हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। बट मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरी न्यू वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर राय दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी दी गई हिदायत के मुताबिक अगली वीडियो बना सकूँ। खूबसूरत हाथों पर मेहंदी भी चार चार लगा देती है। बनारस का अजल से ही औरत की कमजोरी रहा है और वो खुद को सजाने संवारने के लिए मुख्तलिफ तरीके और चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। और इनमें मेहंदी सरे फहरिस्त है। हमारे एरिए में मेहंदी को सुहाग की इलामत कहा जाता है और ब्राइडल जितना मर्जी तैयार हो उसके हाथों पर अगर मेहंदी नहीं है तो समझे वो दुल्हन ही नहीं लग गई।
और ये मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, ये मैं अपने विलेज की बात कर रही हूँ। कोई कहावत जरूर कही जाती है, आप अपने इलाके का बताएं वहाँ पर क्या चीज़ सुहाग की लामा समझी जाती है। एंजॉय किया आप लोगों ने आज के डिजाइन को, सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ हमारी मेहनत को सराहा कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।